हर बरांडे में सोया हुआ था। लोगों की ये सोच बनती जा रही है, लेकिन उनके कंटेंट में मुझे थोड़ा सा शिकायत। मेरे श्रोता कम जरूर हैं, लेकिन वो अच्छे श्रोताओं में से हैं। बहुत बारीकी से एक चीज पे ध्यान देके उस गाने को बनाया, कुछ लोगों से पैसा उधार लिया। के इंटरव्यू आते हैं तो उसमें लग राज्य बन गया है, यहाँ पे क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है, उस पर भी कभी आपने विचार प्रकट करो। हालांकि मैं पॉलिटिकल नहीं कर रहा डिस्कशन, पैसा मेरे लिए महत्वपूर्ण कभी नहीं रहा। हमारे नेताओं ने अपने अपने लोगों को भर्ती कर दिया, जहाँ अभी इस मुख्यमंत्री पे भी बनाओ, इस पे भी बनाओ, इस उसके बाद फिर बीजेपी के शासन पे भी बना था। तो तब आपने मेरे से एक बात बोली थी कि अगर इज्जत प्यारी कभी पॉलिटिक्स में ना जाओ। तो आज की पॉलिटिक्स में यही सब हो रहा है, समाज की तरफ नहीं देखते हैं कि हमारे समाज को क्या, हमें इस किस्म के गाने बनाने चाहिए क्या, हमें समाज के सुख दुख के गीत लिखने चाहिए क्या, हमें नेचर के गीत लिखने चाहिए अपने पहाड़ों के में। हमारे तो 1-2 मिलियन से ऊपर बढ़ते ही नहीं गाने, लेकिन वो जितने मेरे सुनने वाले हैं वो परमानेंट हैं। तो नेगी जी, अभी नया गीत आया आपका और काफ़ी अप्रिसिएशन मिल रही है उसे। हाँ, एक गाना मेरा कल ही रिलीज हुआ है जी, वो भावर निजौला। नमस्कार आप सबको द बिस्ट पॉडकास्ट में। आज मेरे साथ बैठे हैं उत्तराखंड के, जिन्हें हम गढ़ रत्न बोलते हैं, जिनकी एक आवाज़ में पूरा समाज इकट्ठा हो जाता है। हाँ जी, आपने सही पहचाना, मैं बात कर रहा हूँ गढ़ रत्न श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी की। नमस्ते नेगी जी। नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिस्ट पॉडकास्ट में। तो नेगी जी, थोड़ा सा बताएं अपने बारे में, क्योंकि आप पहले गवर्नमेंट जॉब में थे और फिर ये, क्योंकि बहुत अलग अलग चीज़ें हैं दोनों। और जिस हम बैकग्राउंड से आते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सिंगिंग को उतना जोर नहीं दिया जाता था पहले, या इतना अप्रिशिएट नहीं कराया जाता था। बिजी, मैं अपने पौड़ी गांव में पैदा हुआ, वहीं मेरी शिक्षा दीक्षा हुई, वहीं बहुत लंबे समय तक रहा, आज भी आता जाता रहता हूँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ। मैं जब ग्रेजुएशन करने के लिए ये रामपुर अपने ताऊ जी के लड़के तेरे भाई स्वर्गीय अजीत सिंह नेगी थे वो, तो उन्हीं के साथ मैं ग्रेजुएशन कर रहा था रामपुर में। तो अब वो वोकल बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाते थे, तो वहाँ उसी दौरान उन्होंने कहा, यार तू तबला पर वो क्यों नहीं करता, तबला बजाओ, म्यूज़िक का शौक है। तो मैंने फिर, उन्होंने मुझे तबले पे हाथ उत रखना सिखाया, तबले पे प्रैक्टिस करता रहा, करते करते मुझे तबले की लत लग गई जी, और फिर पढ़ाई से ध्यान हटने लग गया और म्यूज़िक की तरफ ज़्यादा मैं समय देने लग गया। और इस तरह से मैं वहाँ से जब निकला वापस पौड़ी, अपने गांव घर आ गया दो तीन साल बाद, तो फिर ये हुआ कि मैं तबले का रियाज़ करता रहा लगातार अपने आप ही। और वहाँ मैंने फिर तबले से बीम्यूज़ भी किया और ये प्रभाकर किया जी। जी हाँ, तो लेकिन मुझे लगा कि ये तबले में, यहाँ पौड़ी जैसी जगह में, यहाँ पर इसका भविष्य मुझे नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा। तो मुझे लगा कि या तो मैं किसी उस्ताद की शरण में जाऊं और आगे बढ़ने के लिए। तो फिर वहाँ मैं रामलीला वगैरह शरदोत्सव के प्रोग्राम होते थे, उनमें भी बजाया करता था, होली की बैठकें होती थी पौड़ी में, है ना, उनके साथ भी बजाता था। फिर धीरे धीरे मैंने अपनी धारा बदल दी और मैंने ये देखा कि मैंने कहा मैं अब लोक गीतों की तरफ मुड़ता हूँ, और मैंने तबला छोड़ा और फिर मैं लोक गीतों की तरफ, पहले मैंने किताबें ली और उसमें जो पुराने लोगों ने जो लिखा था उसको पढ़ा, जो पुराने पारंपरिक गीत हमारे यहाँ चलते थे वो हमारे गांव में ऑलरेडी आज भी चलते हैं जी, वो बसंत पंचमी से लेके और बिखोत बैसाखी तक वो गीत निरंतर चलते हैं। तो वो भी धुनें मेरे दिमाग में बैठी हुई थी, अपने लोक गीतों की, पारंपरिक लोक गीतों की।
थड़िया बोलते हैं उनको, थड़िया चौंपला गीतों की, तो वो भी दिमाग में था। तो फिर मैं इसी लाइन में कूद पड़ा और मैंने धीरे 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 करके इसको आगे बढ़ाया। और फिर जो मैंने अपनी पहली रचना की वो 1974 में ठीक यहीं देहरादून के एक विकास नगर में एक आँखों का अस्पताल था, वहाँ मैं अपने पिताजी को ऑपरेशन के लिए ले गया। वहीं पे अब वो वार्ड में लेटे हुए थे तो मैं बाहर बरामदे में सोया हुआ था, तो वहीं से रात को कुछ विचार आए और वहीं पे मैंने एक कुछ पंक्तियाँ गुनगुनाने लग गया और वहाँ से मेरा मैंने गाना पहला गाना मेरा वहीं बना। और उसके बाद फिर वापस जब हम पौड़ी आए उनके आँखों का इलाज करके तो वहाँ पे भी मैंने उस गीत को पूरा किया। तो एक चीज़ बताइए निकी जी, जैसे आजकल तो अपनी बात लोगों तक पहुँचाना बहुत आसान है, बहुत सारे मीडियम है, सोशल मीडिया, उस जमाने में 74 में कैसे आपने कैसे डाई होगी, लोगों पे तब टेप रिकॉर्डर्स भी नहीं होते थे ना, बड़ी बात थी। मुझे याद है मैं गांव हम लोग गए थे तो पापा टेप रिकॉर्डर साथ ले गए थे, सारे गांव वाले देखना आ रहे थे, तो कैसे उस जमाने में आपने अपनी नहीं, उस जमाने में फिर बिजी ऐसा होता था कि हम लोग ये रामलीला होती पौड़ी में जी, तो रामलीला भी मैंने जब कहीं बीच में गैप मिलता था तो वहाँ पर भी मैं वो अपने लिखे हुए गीत गाता था। ठीक, तो उसके बाद फिर 76 में मैंने आकाशवाणी लखनऊ, उस समय लखनऊ ही हमारा एकमात्र रेडियो स्टेशन था, वहाँ पे ऑडिशन दिया। केशव दास अनुरागी वहाँ प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव थे, उन्होंने ही मुझे प्रोत्साहित किया, उन्होंने कहा यार तो अच्छा गाता है, रेडियो में गाया, तो फिर उन्होंने फॉर्म वगैरह भरवाया, फिर मैं रेडियो में गया, वहाँ ऑडिशन हुआ। ऑडिशन होने के बाद फिर मुझे वहाँ से प्रोग्राम मिलने लग गए तो मैं रेडियो में गाने लग गया। तो ये है 76-77 की बात। और उसके बाद मैं 2-3 साल तक लखनऊ रेडियो स्टेशन से गीत गाता रहा, तो लोगों को अच्छे लगे वो गीत, और फरमाइश का कार्यक्रम भी चलता था वहाँ पे, उससे पता लगता था कि लोग कितनी फरमाइश मेरे गानों की करते हैं। फिर यहाँ हमारे नज़दीक पहाड़ों के लिए नजीबाबाद में रेडियो स्टेशन खुला, और रेडियो स्टेशन उसकी ट्रांसमिशन बहुत तगड़ा था, शायद 100 किलोवाट का था जी, तो वो फिर गांव-गांव में सुनाए जाने लग गया। और फिर वहाँ से मैंने गाना शुरू किया रेडियो से, और रेडियो से गाते 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 काफ़ी लंबे समय तक मैंने वहाँ पर गाने गाए, और लोगों को पसंद आते थे, फरमाइश करते थे, तो मेरा भी हौसला बढ़ता गया और मैं लिखता गया और निरंतर लिखते लिखते। और उसके बाद सन 82 में मैंने अपना पहला कैसेट बनाया। मुझसे पहले गोपाल बाबू गोस्वामी का, और ये वाचस्पति ड्यूंडी और एक मिश्रा जी थे कोटदार के, ये सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न में इनका काम ही ये था, वहाँ एम्प्लॉय थे, तो उनका कैसेट आया था। और फिर शायद 80-81 में और 82 में फिर मैंने कैसेट में पहला कैसेट अपने ही दम पे बनाया, कुछ लोगों से पैसा उधार लिया अपने ही साथ के, और कैसेट बनाया। और वो कैसेट काफ़ी लोगों ने पसंद किया क्योंकि उसमें क्लियरिटी थी, लोग रेडियो में गाना सुनते थे तो उसमें बड़ा डिस्टरबेंस होता था, क्लाउड्स वगैरह रेडियो से ना, तो लखनऊ से और नजीबाबाद से, तो उसमें क्लियरिटी थी कैसेट में, तो वो कैसेट का चला। फिर उसके बाद कंपनियों ने देखा कि ये चल रहा है मार्केट में, फिर उनके ऑफर आने लगे कि आप हमारी कंपनी के लिए गाइए, हमारी कंपनी के लिए। फिर मैं रामा कैसेट्स कंपनी के लिए मुझे काफ़ी साल तक मैंने उनके साथ गाया। फिर उसके बाद एक कंपनी और थी, उसके बाद फिर मैं टी सीरीज़ के लोग आए, फिर उन्होंने कहा जी हमारे कंपनी के लिए गाइए, फिर मैं टी सीरीज़ में आ गया। तो इस तरह से ये चलता रहा। अब तो वो फॉर्मेट भी ख़त्म हो गया है कैसेट्स का, अब सोशल मीडिया है, चल हो गया, तो और अब उसके साथ साथ उम्र भी बढ़ती चली गई, और अब
लेकिन लोगों का आग्रह रहता है कि नेगी जी कुछ आप गाते रहिए और हमें आपके गाने पसंद आते हैं। तो फिर मैं अब 6 महीना 7 महीना 8 महीना साल भर में एक आध गाना। यहाँ ना नेगी जी मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। एक तो ये है कि जैसे हर सिंगर कमर्शियली भी देखता है ऑब्वियसली, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो तो आप थोड़ा रिवॉर्ड भी चाहिए, लेकिन आपने फोकस वहाँ नहीं रखा जो मुझे लगता है, क्योंकि आप बिल्कुल सोशली जो उत्तराखंड के जो मेन पहाड़ों के जो इश्यूज थे उन पे आपने गाने बनाते रहे। आप पसंद लोग करते थे बट लेकिन वो कमर्शियली वैसा नहीं था जैसे आजकल चल रहा है। जी असल में मैं सर्विस भी कर रहा था। जी मैं 72 से सर्विस में आ गया था और सर्विस में मैंने ये था कि बाल बच्चों की रोटी का तो मैंने जुगाड़ कर लिया था सर्विस से, और उसके बाद ये जो कैसेट से और रेडियो से जो मैं काम करता था, कैसेट की कंपनियां जब मेरे कैसेट बहुत लोगों तक पहुंचने लग गई और काफ़ी अच्छा उसका रिस्पांस मिलने लग गया, तो कंपनी वालों का ये था कि नेगी जी आप हर महीने कैसेट बनाइए, आपको मार्केट में चल रहे हैं आप और लोग पसंद कर रहे हैं और आपका कैसेट बिक भी रहा है, क्योंकि ये लोग रॉयल्टी नहीं देते कलाकारों को, है ना। यहाँ पे ये सिस्टम है कि ना तो रेडियो वाले देते थे और ना ही कैसेट की कंपनी वाले रॉयल्टी देते थे। एक बार में आपको वो पैसा देते थे 10-15 हज़ार रुपया और उसके कॉपीराइट उनको देने पड़ते थे और फिर वो जो है वो कंपनी को ही बाकी वो होता था, वो कभी उन्होंने रॉयल्टी नहीं दी किसी भी कलाकार को नहीं दी। तो इस तरह से ये सब ये चलता रहा। तो मैं फिर मेरा ये था कि मैं एक साल में एक कैसेट बनाऊंगा, ये मैंने तय कर लिया था और मैं कंपनियों के कहने पे नहीं आया। मैंने कहा नहीं मैं मार्केट में कूड़ा कचड़ा नहीं डालूंगा, मैं केवल एक साल में एक कैसेट बनाऊँ, उसमें 8 गाने हम एक कैसेट में डालते थे। तो मैंने वो किया और वो उसी में सबसे कम कैसेट शायद मेरी हैं, बाकी कलाकार तो हर महीना कुछ ना कुछ डालते रहे कैसेट बनाते रहे, लेकिन मैं अपने उसमें रहा। और ये मैं एक साल तक पूरी मेहनत करता था उन 8 गानों में और उसी से मैंने ये कैसेट में जो है 82 से लेके और 2011 तक, लास्ट कैसेट मेरी 2011 की, 2011 तक मैं मुश्किल से 36 या 38 कैसेट मेरी अच्छा बनी है। या माइल स्ट्रॉन्ग क्योंकि इतनी कम कैसेट है और कम कैसेट, लेकिन उसमें ख़ास बात ये थी कि मेरी कैसेट के हर गाना हर आदमी जानता है। हाँ है ना, ऐसा नहीं हुआ कि किसी कैसेट का कोई गाना लोगों को ने नहीं गुनगुनाया हो या लोगों को पसंद नहीं आया हो। हाँ तो वो हर गाना लोग, मैं मेहनत भी बहुत करता था उन कैसेट उन गानों। दूसरा क्वेश्चन था जैसे पहले आपको कैसेट निकालने हैं तो कम से कम आपको 16 गाने देने पड़ते थे या हम 4 तो एक साइड में होते ही थे। हाँ 4 तो अब जैसे जो फॉर्मेट है आप एक गाना यूट्यूब में निकाल देते हैं तो उसमें आपको क्या लगता है कि मज़ा पहले याद आता था या अब थोड़ा ईजी हो गया एक गाना निकाला फिर आप बाकी के नहीं। अब ये हो गया, अब समस्या ये हो गई हालांकि कि अब पहले कंपनियां पैसा लगाती थी जी, है ना, और अब जो है हमें पूरा पैसा खुद लगाना पड़ रहा है। तो अब रिकॉर्डिंग में भी पैसा लग रहा है जी, उसकी रिकॉर्डिंग करने में वो हम ही को लगाना है, दूसरे में उसके शूटिंग में भी पैसा लगता है ठीक, उसकी एडिटिंग में भी पैसा लगता है ना। तो इस तरह से वो भारी पड़ता है और भारी पड़ने की वजह से फिर मैं जो हैं 7-8-9 महीने में एक आध गाना निकाल पाता हूँ, है ना। तो उससे ज़्यादा वो एनर्जी भी नहीं रही कि जो मैं लगातार उसमें करूँ, और मेन फैक्टर यही है कि इसमें पैसा बहुत लगता है और YouTube से YouTube वाला जो है वो इतने पैसे देते नहीं है। तो केवल ये है कि अपनी भी संतुष्टि होती है, लोगों को भी संतुष्टि मिल जाती है कि चलो एक गाना नया गाना आ गया। सही, जब बात कर रहे हैं मॉडर्नाइजेशन की तो इसमें अब जैसे नई जनरेशन आ रही है तो हमने, मैं भी खैर 80s 90s का बोर्न हूँ तो मुझे पता है कि वो मैंने भी वो
पंजाबी जो म्यूजिक है उसका ट्रांसफॉर्मेशन देखा कि वो भी पहले हमारी तरह पहाड़ों की तरह वो खेतों में चार पांच लोग डांस करते थे और बिल्कुल प्लेन उनके वो पंजाबी में बोलते हैं ना पिंडू, वो गाने पिंडू। तो अभी उत्तराखंड में भी थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी लोग बोलते होंगे कि थोड़ा आप भी पॉप डालिए, थोड़ा बीट्स डालिए। तो आप कैसे और रीजन क्या है कि आप अभी भी उसी फोक पे ही हैं और कैसे अपने आप को रोक भी पाते हैं क्योंकि वही सेम चीज कमर्शियल? तो इसलिए कि पैसा मेरे लिए महत्वपूर्ण कभी नहीं रहा। जी जी, मेरा ऐसा नहीं रहा कि मैं पैसे के लिए कुछ भी करने को राजी हो जाऊं, ऐसा मेरा स्वभाव नहीं है। और मैंने वो लाइन पकड़ी भी नहीं, पैसे वाली लाइन। मैंने ये कहा कि पहले किसी भी गाने को पहले मैं संतुष्ट हो जाऊं, उसके बाद पब्लिक को अच्छा लगेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम मुझे ये तो लगेगा मैंने एक अच्छा गाना गाया। आत्मसंतुष्टि मेरे लिए बड़ी चीज़ है, इसलिए मैं कभी उसके पीछे नहीं भाग कि ये ट्रेंड चल रहा है तो मैं उस ट्रेंड के साथ मैं भी शामिल हो जाऊं। भीड़ में शामिल होना मेरा नेचर नहीं है, मैं थोड़ा हटके काम करता हूं जी, और मैं वो काम करता हूं जो और लोग नहीं कर रहे हैं। जैसे आज के नए बच्चे जो हैं वो डीजे के पीछे लगे हुए हैं, सब डीजे 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 सॉन्ग डीजे सॉन्ग डीजे सॉन्ग में नाचने वाले गाने ज़्यादा। मेरा ये मानना है कि गाने सिर्फ नाचने के लिए नहीं होते हैं, है ना। गाना जो हैं वो गीत जो हैं, और जो मेरी अपनी परिभाषा है, गीत जो हैं वो सुकून देने के लिए होते हैं, है ना। तो उसमें सैड सॉन्ग भी हैं क्योंकि जीवन में दुख तो सबके लिए हैं, और अच्छी चीज़ें भी हैं, श्रृंगार की चीज़ें भी हैं। लेकिन केवल ये मान के चलना कि सिर्फ नाचने के लिए ही गाना, गाने का मतलब नाचना होता है, लोगों की ये सोच बनती जा रही है। तो अगर बिना नाच वाले गाने आप बनाते हैं तो कहते हैं क्या क्या है भाई, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो नाच तो है ही नहीं। और आप भी कुछ गाने ऐसे हैं जो आज भी लोग अच्छा नाचते हैं। अब पुराने उसमें थे ना वो, लेकिन आज तो आज के टाइम में तो डीजे बीट नहीं है तो फिर लोग नाचते भी नहीं है। ये है, तो इसलिए मैं उसके पीछे नहीं भागा। और मेरे श्रोता कम जरूर हैं लेकिन वो अच्छे श्रोताओं में से हैं, और हाँ वो उन बातों को पकड़ते हैं जो हम लोग दिखाना चाहते हैं, जो हम अपना पहाड़ को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जिसमें लगे कि हाँ यार ये कोई लोक गीत जैसा है या वहाँ के लोगों की इसमें सुख दुख वाली बात इसमें है। जी जी। तो मैं इस धारा में हूँ, वो उसमें नहीं हूँ कि मेरे कितने व्यूअर्स, कितने मिलियंस हो गए, कितने ये हो गए क्या हो गए, अब इन मिलियंस को बढ़ाने के लिए मैं क्या गाने में रैप डाल दूँ, गाने में ये कर दूँ वो कर दूँ, वो भाग दौड़ में मैं नहीं हूँ। मैं बहुत शांति से काम करता हूँ और वही करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता। अभी भी बहुत ही तादाद ऐसी है कि जो आपके गाने और उस स्टाइल का जो आपका स्टाइल उसे पसंद करते हैं। अब जैसे यूके यूरोप में या बाहर बहुत सारे अपने माड़ी भाई शेफ़ हैं, और वो मैं एक बार किसी से बात कर रहा था, वो क्या करते हैं, वो आपका उन्होंने वो चैनल बना रखा है, वो प्लेलिस्ट आपके गानों की वो लगा देते हैं और अपना फिर वो किचन में काम वाम करते हैं स्पीकरों में लगा के। तो वो कहते हैं यार मज़ा आता है, हमें लगता है हम पहाड़ों में पहुँच गए। नए गाने भी सुनते हैं बट वो एक अलग एनर्जी देते हैं। नहीं नहीं ठीक है, नए बच्चे भी आ रहे हैं, बहुत अच्छे कंठों के साथ आ रहे हैं जी, उनकी आवाज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनके कंटेंट में मुझे थोड़ा सा शिकायत है कि कंटेंट उनका वो नहीं है जो होना चाहिए लोग, क्योंकि अगर आप लोक के लिए गा रहे हैं तो कम से कम लोक की बात तो आए उसमें, है ना, लोक की बात उसमें आनी चाहिए। सिंगर ना बोल, या फिर आप कहेंगे मैं सिंगर हूँ जी, मैं कुछ भी गा सकता हूँ, कहीं का भी गा सकता हूँ ना, अब मैं पॉप भी मिला दूंगा, मैं इसमें रैप भी मिला दूँ, मैं इस भी कर दूँ, मैं वो भी, ठीक है करिए, लोगों को इंटरटेनमेंट चाहिए तो इंटरटेनमेंट हो सकता है। लेकिन अगर आप लोक की बात करते हैं फिर थोड़ा, ज़्यादातर लोग जो है जब उनके इंटरव्यू आते हैं तो उसमें लगता है कि हम तो लोग अपने लोग के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन लोग की बात भी तो गाने में आनी चाहिए ना। तो अगर आप लोक गायक हैं, लोक कलाकार हैं, तो आपके काम में लोग झलकना चाहिए कि हाँ ये उस समाज के प्रतिनिधित्व करते हैं, ये उस समाज के लोग गायक है ना। तो वो चीज़, वो कंटेंट उनका जो है वो बहुत सीमित है और उसी में ज़्यादातर बच्चे काम कर रहे हैं। तो मैं जब भी मौका मिलता है मैं बोलता हूँ उनको, यार अपने विषय भी थोड़ा बदलो कुछ अपने उसको, और कुछ वहाँ के लोगों के बारे में भी लिखो, कुछ गाओ,
वहाँ भी सुख दुख वहाँ भी हैं, तो उनको भी लाओ, सामने लाओ। पॉलिटिकल उसमें अब एक राज्य बन गया है, यहाँ पे क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, उस पर भी कभी आपने विचार प्रकट करो। उस पे उससे लोग बसते हैं, नहीं करना चाहते हैं, चलिए खैर वो तो अपने अपने समझ है ना। लेकिन अब मैंने तो यही रास्ता चुना है, तो मैं वही बता भी सकता हूँ। ये आपने जैसे पॉलिटिकल था, आपको जैसे हम जब छोटे थे हम आपकी गाने सुनते थे तो ऐसा लगता था कि ऐसा निकी जी का एक गाना आ गया, सरकार गई। हालांकि मैं पॉलिटिकल नहीं कर रहा डिस्कशन, लेकिन अभी क्या है, जैसे अभी जैसे आपके एक दो पिछले 4-5 साल से नहीं आए गाने, तो लगातार गाता रहता हूँ मैं लोकतंत्र। अभी पिछले दिनों जो हुआ वो उसमें आपने देखा होगा, हमारे नेताओं ने अपने अपने लोगों को भर्ती कर दिया जहाँ जी जो जो थे ना, तो वहाँ पे मैंने फिर लोकतंत्र माँ गाना जो है उसमें डाला है ना, इसमें ये सोशल मीडिया में डाला मैंने, लोगों ने वो गाना भी सुना। गाना सुना जब भी ये बच्चों के आंदोलन होते हैं उसमें अगर कोई चीज़ ऐसी लगती है मुझे, मैं वो भी डालता हूँ। लेकिन अब वो कैसेट वाली बात नहीं रही, कैसेट घर घर में बसती थी, सब सुनते थे है ना। लेकिन अब ये जो है सोशल मीडिया, तो वही सुनते हैं जो कि जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है। गाँव में तो बहुत कम लोग हैं जिनके पास होगा है ना, बुज़ुर्गों के पास तो है नहीं वैसे बड़ी एज के लोग, लड़कों के पास हैं। अब लड़कों के अपने शौक़ हैं, अपने एंटरटेनमेंट के उनके अपने चॉइस होती है उसमें, ये है। लेकिन जब भी ऐसी कुछ बात होती है तो मैं बोलता भी हूँ और कभी कोई गाना बनता है तो मैं वो गाना बनाता भी। ज़बरदस्ती वाली बात इसमें नहीं है कि ज़बरदस्ती करना ही करना है, ऐसा कोई मेरा एम नहीं बना रखा है कि मुझे ज़बरदस्ती करना। 5 साल का नहीं बोलते हैं लोग कि अभी इस मुख्यमंत्री पे भी बनाओ, इस पे भी बनाओ, इस पे भी बनाओ। अरे मैंने कहा भैया ऑर्डर देंगे नहीं, कितना बनाएंगे ये, ऑर्डर देंगे नहीं बनाते गाने। वैसे आपका जो ये गाना है नौचमी नारायणा, ये महाराष्ट्र के मेरे कुछ दोस्त हैं वो भी पसंद करते हैं। जैसे मैं अभी आ रहा था तो बताया मैंने कहा मैं निकी जी, तो वो भी कह रहे उनका वो नौचमी नारायणा वो काफ़ी मतलब वो काफ़ी पंचेड है वो गाना। हाँ उसके बाद फिर बीजेपी के शासन पर भी बना था, अब कद का खेलो है ना, वो भी बना था वो तो। हाँ नहीं ये तो है कि आपने बख्शा किसी को। हाँ नहीं जो जो चीज़ें लगी, और वो मेरा व्यक्तिगत वो नहीं सोच नहीं थी, लोग भी जो सोच रहे थे, मैं लोगों के बीच में भी रहता जी, तो लोगों की जो सोच थी उसी को मैंने गाने के माध्यम से लोगों के सामने रखा। निकी जी ये क्वेश्चन मैं पर्सनली भी आपसे पूछना चाह रहा था, तो आपने इतने बड़े कहते ना कितना ग्लोरियस आपका करियर रहा, इतना आपको मतलब फेम मिला, इतने लोग आपको पूछते हैं, तो आपने कैसे अपने आप को कंट्रोल रखा? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोई पॉलिटिक्स में चला गया, कोई इधर उधर, मतलब बेसिकली क्या होता है कि वो अपनी जो पोजीशन है उसको इनकैश करना चाहते हैं, चाहे वो अपने सिक्योरिटी के लिए करें, फ्यूचर कुछ भी कहें, पर आपने कैसे अपने व्यक्तित्व को इतना वो करके इतना संजो के रखा कि आज मुझे नहीं लगता कि कोई शायद आप पे नाम लेके कभी कोई उंगली उठाता होगा या उठाएगा कभी। मैं असल में मैं एक आम आदमी की ज़िंदगी जी मैंने शुरू से ही जी, और आज तक ये इतनी उम्र हो गई है, तो मुझे उसी में संतुष्टि है कि मैं एक आम आदमी की तरह जीवन अपना यापन करूं, और उसमें घमंड वाली कोई बात ऐसा काम मैंने किया नहीं जो मैं घमंड करूं किसी चीज़ पे, इसमें घमंड वाली बहुत बात कहीं भी नहीं है। इसमें यह है संतुष्टि कि आपको किस काम में संतुष्टि मिलती है, और जो लोग इधर से उधर कूदते रहते हैं इसमें नहीं तो इसमें, इसमें नहीं आ तो उसमें, उसमें नहीं तो इस, तो उन्हें कहीं भी संतुष्टि जब नहीं मिलती है तो फिर वो कभी कलाकार के रूप में रहते हैं, तो फिर उसके बाद कभी फिर पॉलिटिशियन में भी आजमाते हैं अपने आप को, फिर कोई बिजनेस में अपनाता है अपने आप को, इस तरह से जीवन में चलता रहता है। हर आदमी का अपना अपना एक चलता महत्वाकांक्षाएँ होती हैं हर व्यक्ति की ना, हमारी महत्वाकांक्षा जहाँ मैं हूँ वह वहीं तक थी और वहीं तक रहेगी। मुझे बहुत से लोग जब मैंने नौकरी छोड़ी तो उस समय भी लोग कहने लगे कि आप कौन सी पार्टी ज्वाइन करोगे, क्या करोगे, मैंने कहा लोगों ने माना ही नहीं। फिर हर साल जब भी चुनाव आते थे लोग
अफवाह उड़ाते नेगी जी अब इस पार्टी से होंगे, नेगी जी अब उस पार्टी से होंगे। आज इतने वर्ष हो गए हैं मुझे, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, सिर्फ अपने आप में। मुझे याद है मेरी पहली मुलाकात आपसे ठीक 10 साल पहले हुई थी, ठीक 10 साल। अच्छा हाँ, बस दिसंबर 2013 की बात है, तो ऑलमोस्ट सेम ही चल रहा है। तो तब आपने मेरे से एक बात बोली थी कि अगर इज्जत प्यारी कभी पॉलिटिक्स में ना जाओ, वो हमेशा मेरे दिमाग की बात। और नहीं, आज की पॉलिटिक्स में ऐसा ही है जी, अगर सच कहें तो आज की पॉलिटिक्स में यही सब हो रहा है। और आप आज की राजनीति में रह के ईमानदार नहीं रह सकते, आपको ईमानदार रहने नहीं दिया जाएगा। ये मेरा अपना आकलन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा अपने ये है कि आपको ईमानदार रहने ही नहीं दिया जाएगा आज की व्यवस्था में। ये बिल्कुल वैसी है जैसे कोई आदमी पुलिस में रहे और ईमानदारी से सेवा करे, उसको ईमानदार रहने नहीं दिया जाएगा। यही स्थिति राजनीति में भी है जी, राजनीति में भी यही स्थिति है। आप वहाँ भी एक सीमा है, आप कहाँ तक ईमानदार रह सकते हैं, है ना? आपको रहने नहीं दिया जाएगा, आपको वो सब करना पड़ेगा जो राजनीति के लिए आज के दिन में ज़रूरी है, और वो सब आपको करना पड़ेगा। हमने बड़े बड़े ईमानदार लोगों को देखा है ना, कि आखिर उनको वो लाइन पकड़नी ही पड़ी जिससे वो सर्वाइव वो और उनकी पार्टी कर पाए। जी जी जी, नहीं वो तो है ही, अगर सिस्टम में रहना है तो। सिस्टम में रहना है तो सिर्फ। तो नेगी जी, उत्तराखंडी म्यूज़िक का फ्यूचर कैसे देखते हैं आप, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं और जो लोक कलाकार जो बोलते हैं वो भी थोड़ा बहुत अब ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं। तो आपके जैसे जो लोकगीत गाते हैं वो बहुत कहते ना कि गिनती के बच्चे हैं, तो आप क्या देखते हैं फ्यूचर की, आने वाली जनरेशन वो इस चीज़ को फॉलोअप करेगी, जो पुराने हमारे जो कल्चर है, जो हमारे वाद्य हैं, उन सब का क्या फ्यूचर? नहीं, आजकल सोशल मीडिया में तो भागदौड़ है मची हुई, और लोग व्यूअर्स की जो संख्या बार बार आती है उसमें उसी में डूबे हुए हैं। तो वो फिर वो देखते हैं कि किस कौन गाना मिलियंस क्रॉस कर रहा है, तो फिर वो उसी तरह के गाने बनाने की कोशिश करते हैं, समाज की तरफ नहीं देखते हैं कि हमारे समाज को क्या आवश्यकता है, समाज में क्या हमें इस किस्म के गाने बनाने चाहिए, क्या हमें समाज के सुख दुख के गीत लिखने चाहिए, क्या हमें नेचर के गीत लिखने चाहिए, अपने पहाड़ों के में जो मौसम बदलते हैं, मौसमों में जो परिवर्तन आता है उससे समाज में क्या परिवर्तन आता है, उससे लोगों में क्या परिवर्तन आता है, उस पर गाने बनाएं। तो वो ध्यान उनका सिर्फ ये है कि ज़्यादातर लड़कों का कि किस तरह मेरे व्यूअर्स बढ़ते चले जाएं, सक्सेस का पैमाना हो गया और उसी को लोग सक्सेस मानते चलते हैं। और वो है भी भाई, अगर करोड़ों लोग आपको सुन रहे हैं तो उसमें बात तो है कुछ ना कुछ, जो करोड़ों लोग आपको सुन रहे हैं। हमारे तो 1-2 मिलियन से ऊपर बढ़ते ही नहीं गाने, लेकिन वो जितने मेरे सुनने वाले हैं वो परमानेंट हैं। हाँ, वो परमानेंट हैं, उनको इसी किस्म के गाने अच्छे लगते हैं, तो वो लोग कमेंट करके मुझे वो भी करते रहते हैं। तो नेगी जी, अभी नया गीत आया आपका और काफ़ी अप्रिसिएशन मिल रही है उसे जी, तो थोड़ा सा आइडिया बताइए कैसे आप सुदूर गाँव में कहीं जाके और बिल्कुल आपने बहुत बारीकी से एक चीज़ पे ध्यान देके उस गाने को बनाया है। हाँ, ये गाना मेरा कल ही रिलीज हुआ है जी, वो भाबर निजौला। तो वो पुराने जो पुराने गढ़वाल के लोग थे, पुराने लोग, उनके जीवन पर है कि उन्होंने किस तरह से पहाड़ की दिक्कतों में वो रहे, परेशानियों में रहे, और अब एक आदमी है जो अपनी चाहता है कि यहाँ पे पहाड़ों में आजकल बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है, कुछ दिन वो अपनी बीवी को भाबर ले जाना चाहता है, थोड़ा गर्म में, इससे पहाड़ों की वो ऐसी ठंड से ज़रा से दूर ले जाना चाहता, लेकिन वो बिल्कुल मना करते हैं कि नहीं, हम यहीं रहेंगे और यहीं से अपना वो करेंगे, यहीं से कुछ ऐसा काम कर लेंगे जिससे थोड़ा हमारा जीवन चल जाए। लेकिन ये बिल्कुल आज के समाज से बिल्कुल उल्टी बात है। आजकल तो लड़कियां जो हैं शादी करने के लिए पहले ये देख रही हैं कि लड़का है कहाँ,
पहाड़ में ही रहे नौकरी कर रहा है या कहीं बाहर नौकरी कर रहा है, तो बाहर मैदान में नौकरी कर रहा है, तो वो मैदान में चाहती हैं कि वो पहाड़ों से छूट के सीधे मैदानों की तरफ आए। लेकिन ये पुराने ज़माने के हमारे ही परिवार के कई ऐसे लोग थे जिन्होंने जो बिल्कुल अपनी जगह अपनी ज़मीन छोड़ के गए ही नहीं। बहुत कोशिश की उनके बच्चों ने उनको ले जाने की, लेकिन वो उन्होंने कहा नहीं, मैं यहाँ यहीं मरूँगी, यहीं रहूँगी। तो ऐसे हमारे परिवार में भी थे, ऐसे बहुत सारे गाँवों में ऐसे पुराने लोग है ना, आज नए ज़माने के पढ़े लिखे वो हो गए हैं, तो उन्हें अपने पहाड़ क्योंकि उन लोगों ने अपने हाथों से अपने खेतों को सजाया, अपने हाथों से अपने घर को सजाया, तो उसके प्रति अफेक्शन होना उनके वो स्वाभाविक था। और लेकिन आज जो है, आज उनके लिए घर क्या है, वो मकान है, यहाँ ना सही वहाँ सही, वहाँ ना सही वहाँ सही, है ना, वो मकान है। तो घर तो उन लोगों ने बनाए थे अपने हाथ से, अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से, तो उनके प्रति अफेक्शन उनका है। फिर जो उन्मुक्त वातावरण हमारे पहाड़ों में है, वो आप अगर उनको ले जाके किसी क्वार्टर में बंद कर देंगे तो वो उनसे सहन नहीं होगा, है ना। वहाँ जो एक खुले वातावरण में वो लोग रहने के आदि हैं, तो आप जाके वहाँ एक क्वार्टर में बंद करके आप ड्यूटी में चले गए वो कमरे के अंदर, ये नहीं पड़ोस में कौन रह रहा है, बंगाली है, पंजाबी है ना, मद्रासी है, क्या है, अब उसका तो जीवन ऐसा बन जाएगा केवल पहाड़ के नाम। हाँ, अगर किसी के बंगले हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, बड़े वो हैं, तो वहाँ हो सकता है कि उसका मन लग जाए, है ना। लेकिन आप जानते हैं आम पहाड़ के आदमी का शुरुआत कैसे होती है, बाहर मैदान में बड़ी कठिनाइयों में रहता है, 10-15 हज़ार में जीवन यापन करना पड़ता है और किराए के मकानों में रह के, तो वो जीवन से तो फिर पहाड़ का जीवन उनको ज़्यादा बेहतर लगता है, तो इसलिए वो जाना नहीं चाहते। हाँ, कोई बहुत बड़ा आदमी बन जाए तो हो सकता है कि उसे ज़्यादा वो सुख दे सके अपने परिवार के लोग। पर अगर बंगला भी है किसी का लेकिन पड़ोस का तो नहीं पता होता। नहीं पड़ोस तो बंगले का जो चार दीवारी है वो काफ़ी थोड़ी बड़ी मिल जाएगी, इसके अलावा मिल जाएगी ना, पड़ोसी तो नहीं मिलेंगे उसको, है ना। और फिर वो तीज त्योहार बात है, हाँ ये तो कुछ भी नहीं पता शहरों में, आपको पड़ोस का ही नहीं पता कौन है ना। तो चलिए नेगी जी, बहुत अच्छा लगा फिर बात करके, और धन्यवाद आपने समय निकाला, और आई होप कि आप सबको बहुत अच्छा लगेगा पॉडकास्ट, और आगे भी हम ऐसे ही लोक कलाकारों के साथ और उत्तराखंड की हिस्ट्री और ज्योग्राफी पे और बात करेंगे, और बने रहिएगा प्लीज़। नमस्कार।